कम माइलेज दी इस गाड़ी ने वो थी भाई 3.25 की। 3.25? हाँ लिटरली। अपने गाड़ी बेचने का प्लान बना दिया है। यकीन नहीं मानोगे, गाड़ी को 2 महीने हुए थे और इन्होंने मेरी गाड़ी की जो वैल्यू लगाई थी वो लगाई थी 13 लाख रुपए। और ली कितने की थी आपने? 19 लाख रुपए की। मैंने सोचा पहले क्रेटा लू फिर क्रेटा ने मेरी ली। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द वीडियो। भाई आज हमारे सामने आ गए ह्यूंडई क्रेटा 2024 ऑल न्यू ब्लैक कलर में। भाई SX वेरिएंट है, 12,000 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी। भाई आज इसका एक्सक्लूसिव ओनरशिप रिव्यू होने वाला है। वन ऑफ द फर्स्ट इंडिया की क्रेटा होगी ब्लैक कलर में, जो हर टेरेन पे चल चुकी है। आपकी लद्दाख पे चल चुकी है ये, आपके माउंटेन्स हिमालयस कवर कर चुकी है, प्लेन्स तो कर चुकी है भाई। इसके अलावा भाई ओनर से जानेंगे हम ना ये कहाँ कहाँ जा चुकी है, 12,000 उन्होंने कहाँ कहाँ ये गाड़ी चला दी है। सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरा ये रहने वाला है, जिसमें इंजन आता है 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 115 bhp विद 144 nm के टॉर्क के साथ, वो कितना कैपेबल है ऑन रोड। तो स्टार्ट करते हैं इस रिव्यू को बिना किसी देरी के, होप करते हैं आपको अच्छा लगने वाला है। तो भाई ये रहे हमारी डिपर किंग क्रेटा 2024 के ओनर। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप दे दो अपना कैमरा पे। भाई सबसे पहले तो बहुत थैंक्स मुझे बुलाने के लिए। और मेरा नाम है सूरज तोमर, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है मिस्टर तोमर व्लॉग्स और मेरी इंस्टा आई डी है mr_tomarvlogs। तो भाई मैं ऑन करता हूँ अपनी क्रेटा। मैं एक एक करके हर चीज़ पे आऊँगा। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये गाड़ी आपने कब ली और क्यों ली, ये मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि ये तो मेरे को पता है भाई, ये क्रेटा 2024 दिल्ली NCR की वन ऑफ द फर्स्ट थी। तो यही बता दो क्यों ली ये क्रेटा 2024 और आपका बजट क्या था उस टाइम? भाई मेरा बजट था 20-22 लाख रुपए का और मैं लेने निकला था स्कॉर्पियो N। अच्छा। फिर मेरे को पता चला कि यार क्रेटा लॉन्च हो गई है, क्रेटा लॉन्च हो गई थी सेम डे। तो मैंने कहा यार एक काम करते हैं, चल मेरे साथ फ्रेंड था, मैंने कहा वहाँ चलते हैं एक बार देखते हैं हुंडई। भाई पहली नज़र में प्यार हो गया गाड़ी से, पहली नज़र में देखा मैंने यार भाई इतनी फ्यूचरिस्टिक गाड़ी, इतना मतलब लुक इसका, इतना अग्रेसिव, इतना अपीलिंग, इतना प्यारा, अंदर बैठे तो भाई सनरूप मतलब भाई एक बार को चकाचौंध हो गई आंखें ना। मतलब स्कॉर्पियन इतनी ना फ्यूचरिस्टिक या फिर कंफर्टेबल या फिर हाँ फीचर वाइज कार नहीं है, ये थोड़ा अट्रैक्ट ज्यादा करती है, आंखों को लुभाने वाली चीज है ये। तो फिर मैंने कहा यार इसको लेते हैं, फिर उसके बाद इसको लिया और इसकी टेस्टिंग हमने मतलब उस सेगमेंट में आपने इसके अलावा कुछ देखा ही नहीं, सिर्फ स्कॉर्पियन देखा? नहीं मैं जब गाड़ी ले रहा था उससे पहले मैंने बहुत गाड़ियां देखी थी, जैसे मैंने ग्रैंड विटारा देखी, टोयोटा हाईराइडर, दोनों एक ही बात है। एक सेल्टोस मैंने देख ली थी और टाइगून मैंने देख ली थी, ठीक है। तो मैंने लगभग सारी गाड़ियाँ इस सेगमेंट की देखी थी, इवन इससे ऊपर वाले सेगमेंट में मैंने स्कॉर्पियो एन XUV 700 भी देख ली थी, महिंद्रा थार भी देख ली थी, मतलब मैंने लगभग सभी गाड़ी देखी सारी ऑल ओवर। हाँ बिल्कुल। उसके बाद आप इस वरना मैंने देख ली थी, मैंने कहा एक बार वरना भी देख लेते हैं। तो उसके बाद फिर मेरा डिसीजन बना कि नहीं यार बेस्ट वैल्यू फॉर मनी मेरे लिए यही साबित हो सकती है। एक तो यूनिक हो जाती ना आपने गाड़ी ली। और यार जिस टाइम मैंने ली ना उस टाइम भाई किसी के पास नहीं थी। तीन महीने लग गए थे रोड पे गाड़ी देखने के लिए, सिर्फ इनके पास देखी थी। चलो इस बात को तो छोड़ देते हैं, भाई गाड़ी के बारे में जानते हैं। तो आपने 12,000 ऑलमोस्ट गाड़ी चला दी है, तो कहाँ कहाँ चला दी है, कहाँ कहाँ इसे ले जा चुके हो आप अभी तक? भाई पहली बात तो ये गाड़ी नहीं है, ये मेरा टेस्टिंग प्रोडक्ट है एक तरीके से। अच्छा। मैंने ली थी ये टेस्टिंग करने के लिए। हाँ आपको पता है ये यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं तो उन्होंने उसी पर्पस से ली थी। तो भाई मेरा काम था इस गाड़ी को आगे से पीछे ऊपर से नीचे पूरा सब कुछ टेस्ट कर देना, तो उसके लिए मैंने गाड़ी ली। भाई ये गाड़ी ऑलमोस्ट मैं अगर कहूँ तो 8 से ज़्यादा स्टेट में चल चुकी है, ठीक है। दिल्ली, हरियाणा, यूपी, पंजाब, हिमाचल, लेह लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है, राजस्थान हो गया। हाँ ऑलमोस्ट मतलब हम नॉर्थ इंडिया तो हमने पूरा कवर कर ही लिया, उत्तराखंड हो गया, उसमें तो हमने कुछ भी नहीं छोड़ा। बाकी अब अगर टेरेंस की बात करें तो हमने कैसे कैसे चलाई है भाई, हाईवे हमने ड्राइव कर ली, सिटी हमने ड्राइव कर ली, माउंटेन हमने चले गए, माउंटेन में हमने उत्तराखंड, हिमाचल, लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है। मैं आपसे मैं आपको बता रहा हूँ ये हॉल टेरेंस पे चली हुई है, बस सबसे बड़ी ट्रिप थी आपकी लद्दाख जो 3,000 किलोमीटर ऑलमोस्ट थी, उसमें आपके सारे टेरेन हो गए, प्लेन आ गए, माउंटेन्स आ गए, बर्फ वाले इलाके आ गए, स्नो आ गई, रेन आ गई। तो मैं उसी में आपका ना मेन एक्सपीरियंस जानना चाहूंगा, क्योंकि हर चीज बताओगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो थोड़ा सा सम अप करो आपकी परफॉर्मेंस कैसी थी, सबसे पहले बात जो कि बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है इस गाड़ी के साथ, जो 1.5 लीटर का हमारा इंजन है ना पेपर पे बहुत अंडर पावर है, आपका क्या कहना है उस चीज में? मतलब गाड़ी की अगर बात करूँ तो लास्ट जो मेरी ट्रिप थी वो 3,000 किलोमीटर की थी, 3,000 किलोमीटर की ट्रिप में मैंने वाटर क्रॉसिंग वगैरह भी की। तो मेरे को जो यार सात्विक सबसे ज़्यादा दिक्कत आई ना, सबसे ज़्यादा मेरे को दिक्कत आई स्टार्टिंग में जो वाटर क्रॉसिंग थी,
वाटर क्रॉसिंग में क्या हुआ था कि मैं मेरे सामने जो गाड़ी चल रही थी उसने सडन ब्रेक मार दिए थे, जिसकी वजह से क्रॉसिंग के बीच में मेरे को रुकना पड़ गया था। अच्छा, तो वहाँ मेरी एक बार गाड़ी फंसी थी। उसके अलावा मेरे लद्दाख में मुझे ना तो कहीं फ्रंट व्हील ड्राइव है ना, तो ट्रैक्शन बनाने में मुश्किल रहता है, ना तो मेरे को कभी कहीं अंडर पावर फील हुई, ना कभी कुछ हुआ। हाँ, लेकिन मैक्सिमम टेरेन ऐसे थे देखो जहाँ पे गाड़ी पहले गियर में ही चली, और ऐसा मतलब अमूमन मेरे साथ ही सभी गाड़ियों के साथ होता है कि पहले गियर में भाई अक्सर गाड़ियाँ वहाँ पे चलती है। और अगर परफॉर्मेंस की बात करूँ, सो फार सो गुड, मैं तो भाई कम्प्लीटली सेटिस्फाइड हूँ। एक दो जगह एक दो चीज़ें छोड़ के मतलब 95% इस गाड़ी ने एन इंजन ने मेरे को भाई बहुत इम्प्रेस किया है। ठीक है, तो मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ, आपने लद्दाख ट्रिप करी, आपने अपना सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस और सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस क्रेटर 2024 के साथ बताना चाहते हो तो बता सकते हो आप। भाई अगर मैं सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस की बात करूँ ना, तो इस गाड़ी को जितना आप चलाते हो उतना ही मज़ा आता है भाई। मतलब अगर मैं वैसे बात करूँ कि कई जगह ऐसी आई थी जहाँ 8 किलोमीटर तक मेरे को पहले गियर में चढ़ना था, और जो पहाड़ था बहुत मतलब तीखे मोड़ थे उसके बिल्कुल, और भाई बहुत हाई एल्टीट्यूड था, तो वहाँ पे क्या था, गाड़ी को हाई स्पीड में लेके चलना था मेरे को। तो भाई सबसे बेस्ट चीज़ जो इसकी थी ना, जब मैं टर्न कर रहा था ना, जब पहाड़ पे ऐसे ऊपर चढ़ रहे थे, तो टर्न करते टाइम जो इसके गाड़ी की हैंडलिंग और टायर की ग्रिप थी ना भाई, वो एक नंबर थी। मतलब कितनी भी स्पीड पे अगर गाड़ी को मैं कहीं भी मोड़ना चाह रहा हूँ ना, गाड़ी स्किड नहीं कर रही थी थोड़ी भी आउट ऑफ द लाइन नहीं जा रही थी, इतनी बेहतरीन परफॉर्म कर रही थी। वो मेरे लिए मुझे लगता है इस गाड़ी का सबसे बड़ा पार्ट था, मतलब हैंडलिंग और ग्रिप ही आपको काफ़ी लगी। हाँ, और कोई वर्स्ट एक्सपीरियंस? वर्स्ट एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ तो भाई एक हम उसको फ्यूल एफिशिएंसी भी बोल सकते हैं। मैं थोड़ा आने वाला था माइलेज पे, क्योंकि गाड़ी थोड़ा हैवी है और पेट्रोल है। हाँ, तो थोड़ा फ्यूल एफिशिएंसी की वजह से, एक तो फ्यूल एफिशिएंसी ने मेरे को परेशान किया, और एक यार फ्यूल एफिशिएंसी में थोड़ा और डीप जानना चाहूंगा, अगर डीप जानना चाहूं तो मैंने कितनी देती है, 3000 किलोमीटर का माइलेज टेस्ट किया था उसमें भी। हाँ जी, 3000 किलोमीटर का जो मेरा माइलेज टेस्ट था उसमें गाड़ी ने 11.75 का माइलेज दिया मेरे को। 11.75, इसमें आपका क्या क्या कवर था? हाईवे कवर था, टेरेन मतलब ओल्ड टेरेन कवर था, मतलब दिल्ली से। अच्छा, दिल्ली से निकला, लद्दाख गया और लद्दाख से वापस आया। सबसे कम माइलेज आपको कितनी मिली है इस गाड़ी? सबसे कम माइलेज मेरे को एक जिस टेरेन की मैं बात कर रहा था ना कि तीखे मोड़ थे, 8-9 किलोमीटर तक मेरे को पहले गियर में चढ़ना था, ठीक है, उस पे मेरे सबसे कम माइलेज दी इस गाड़ी ने वो थी भाई 3.25 की। 3.25? हाँ लिटरली। पर यार गाड़ी की जो स्पीड थी मतलब पहले गियर में 3.25, मैं तो उस स्पीड में हैरान हूँ। मैं आपको कंडीशन समझाता हूँ ना, आपके समझ में आएगा कि पहले गियर में गाड़ी 5500 RPM पे चल रही थी, ठीक है, 5500 RPM से नीचे गाड़ी चल ही नहीं पा रही थी, इतने हाई टायरन था। तो वहाँ पे गाड़ी ने 3.25 का दिया, और अगर हाईएस्ट माइलेज की बात करूँ मैं तो गाड़ी ने 21-22 का स्पीडोमीटर में दिखाया था हमें, 21-22 जो हाईएस्ट था। और जब हम पहाड़ से नीचे उतरे थे तो एक बार 26 का दिखाया था, खैर वो तो इररेलेवेंट है, उसकी बात करना हमें ठीक नहीं रहेगा वो तो। हाँ, लेकिन हाईवे पे जब हम चला रहे थे तो 20 तक का दिखा रही थी गाड़ी। बहुत अच्छी बात है, जिस हिसाब से ये इंजन है उस हिसाब से हम ज़्यादा माइलेज एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। हाँ, इसके अलावा मैं जानना चाहूँगा आपकी कितनी सर्विस हो चुकी है इस गाड़ी के साथ? गाड़ी की अब तक 2 सर्विस हो चुकी है, पहली हुई थी 1400 किलोमीटर पर, दूसरी हुई है इसकी 10,000 किलोमीटर पर। 10,000 कॉस्टिंग क्या थी? पहली फ्री ऑफ कॉस्ट थी, और दूसरी वाली की कॉस्टिंग अभी क्या है, इसमें 2 तरह के ऑयल डलता है, ठीक है, एक तो इसका नॉर्मल ऑयल होता है और एक इसका होता है क्या बोलते हैं सिंथेटिक ऑयल। एक सिंथेटिक ऑयल होता है, अगर आप नॉर्मल ऑयल से सर्विस कराओगे तो 1000 रुपये सस्ती पड़ती है, सिंथेटिक कराओगे तो 1000 रुपये महंगी पड़ती है, तो 4500 रुपये की मेरी सर्विस पड़ी थी। प्रोज एंड कॉन्स पे आते हैं Hyundai Creta 2024 के, कि सबसे पहले आप इसके ना कॉन्स बताओ। एक काम करें, हाँ, गाड़ी में अंदर बैठ के बात करते हैं, थोड़ी गाड़ी की झलक भी आ जाएगी। हाँ, और गर्मी बहुत ज़्यादा है, लिटरली बहुत ज़्यादा फायर हो रखा है बिल्कुल। इधर आओ आप भाई, सबसे पहले आप अंदर बैठते हो ना गाड़ी में, मतलब मज़ा आ जाता है। आप ऊपर देखो, सनरूफ देखो, पैनारोमिक, सामने कनेक्टिंग डिस्प्लेस देखो, बिल्कुल पियानो फिनिशिंग देखो, टच एंड फील ऑफ मटेरियल्स भी भाई बहुत अच्छी है, और भाई गाड़ी में फील होता है। गाड़ी चल रही है, गाड़ी स्टार्ट है। हाँ, वो अभी अब रिफाइंड है बहुत गाड़ी, मतलब साउंड है ही नहीं भाई किसी भी तरह का। मैं माइक पे बाहर निकाल के दिखा दूं, ये देखो भाई, यही तो फायदा है, खासियत है ये Hyundai की। पूरी रेस भी दे दो एक बार ना, पता ही नहीं चलता भाई। तो भाई अभी ये सबसे बेस्ट चीज है इनकी Hyundai वालों की ना। हाँ, रिफाइनमेंट बहुत बहुत टॉप नॉच पे पहुंच चुकी है भाई। कौन तो ये है यार कि मैंने सोचा था इस गाड़ी को बेच दूं। है? हाँ, इतनी पसंद है आपको और बेच दो? मैं इस गाड़ी को बेचने तक की सोच रहा था,
फिर उसके बाद में कई सारी चीज़ें हुई, तो फिर मेरा थोड़ा डिसीजन चेंज हुआ। तो यार मतलब एक इसका माइलेज भी है। पहले एक एक रील आजकल बड़ी वायरल हो रही है कि हाँ मैंने सोचा पहले क्रेटा लूँ क्रेटा लूँ, फिर क्रेटा ने मेरे ली। तो ये एज अ टेस्टिंग प्रोडक्ट लेकर आपको बहुत भारी पड़ गई, क्योंकि माइलेज सच में कम हाँ है इसकी। मतलब माइलेज का मैं, उसके अलावा जब मैं इसको बेचने की मैंने सोची, तो बेचने के लिए जब मैं मार्केट में गया, तो यार मेरे को इस गाड़ी के जो आपकी टॉप रीसेल वैल्यू, रीसेलर है, टॉप रीसेलर कार बेच ट्वेंट मतलब तैयारी भी हाँ पूरी हाँ है गाड़ी कार बेचने ट्वेंटी की। फोर ये स्पिनी वगैरह हाँ पे जी गया हाँ जी मैं, हाँ जी तो तुम यकीन नहीं मानोगे, गाड़ी को 2 महीने हुए थे और इन्होंने मेरी गाड़ी की जो वैल्यू लगाई थी वो लगाई थी 13 लाख रुपए, और ली कितने की थी आपने? 19 लाख रुपए की। 6 लाख सीधा गिरा दिए, और भाई ऑलमोस्ट 6 महीने हुए होंगे गाड़ी को। हाँ और भाई मतलब क्रेटा वन ऑफ द बेस्ट इन सेगमेंट गाड़ी है, हाँ और जी, रीसेल एक नंबर है इस गाड़ी की। बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी है, लेकिन हाँ पर कहीं रीसेल बहुत कम फिर है। रीसेल मेरे को नहीं मिली तो, और न्यूली प्रोडक्ट लॉन्च था, वेटिंग में गाड़ी है यार, हाँ वेटिंग में गाड़ी लोगों को मिल नहीं रही है। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं यार इतने लॉस से तो मैं नहीं बेच पाऊंगा, तब मैंने अपना प्रोग्राम चेंज किया। अब तो खैर ये है कि थोड़ा शटर डाउन आपका तो हो पता चुके हैं। है पंगा क्या इनका, इनकी ड्राइविंग है मतलब इनकी रनिंग है डीजल वाली, 12,000, और ले ली पेट्रोल हाँ 12,223 किलोमीटर। 12,000। देखो लेने के पीछे का कारण क्या था, मेरे को टेस्टिंग के लिए चाहिए थी, उस हाँ टाइम पे डीजल थी नहीं उनके पास में, हाँ आपको पेट्रोल ही खड़ी थी। जो मिल जाए। हाँ हाँ मैंने कहा जो मिल जाए दे दे भाई, हाँ तो हाँ उस टाइम ये मिल गई थी, यही ले ली थी टर्बो हमने। वाली क्यों ली? यार टर्बो तो लॉन्च ही लेट हुई ना। अच्छा, उसकी भी मतलब हाँ वेटिंग का ही पंगा हाँ नहीं टर्बो तो लॉन्च ही लेट हुई है 2-3 महीने बाद, अच्छा उस टाइम तो लॉन्च ही नहीं हुई थी, खाली पेट्रोल एनएनए लॉन्च हुई थी और डीजल लॉन्च हुआ था। हाँ, तो वो भी आपको पेट्रोल मिली हाँ सिर्फ। टर्बो भी लेट लॉन्च हुई है, एनलाइन भी लेट लॉन्च हुई है, तो वो तो है। पर ये पॉइंट बहुत याद रखना भाई, इन्होंने गाड़ी बेचने का प्लान बना दिया है मतलब इसकी माइलेज की वजह से मेनली, हाँ और तो कोई मेनली दिक्कत नहीं है। अभी हमने वीडियो में जिक्र किया था कि आप इस गाड़ी को बेचने वाले हो, तो भाई इसके बाद क्या? भाई इसके बाद आने वाला है एक बड़ा सरप्राइज, वो हो सकती है रोक्सी या फिर कुछ और। या बॉक्सी हाँ मतलब अब तो सबको पता ही चल गया होगा। तो फिर कब तक आ जाएगी? भाई देखते हैं जब तक जब ये भगवान जाएगी चाहेगा। तब आएगी, है ना? हाँ और कुछ खास नहीं है, और और यार एक कौन ये जो मेरे पैर है इसमें काफी दर्द होता है जब मैं गाड़ी को चलाता हूँ। कंफर्ट में मैं आना चाहूंगा, लद्दाख ट्रिप पे आपका कंफर्ट कैसा रहा था गाड़ी से? यार इस गाड़ी में क्या है कि पहले दिन जब आप चलाते हो ना इस पैर में दर्द होता है, उसके बाद में पता नहीं आदत पड़ जाती है क्या हो जाता है, फिर हाँ दर्द नहीं होता। कंफर्ट भाई इतना अच्छा है वैसे तो, मतलब बहुत बढ़िया, बस ये पैर में दर्द ना हो ना मेरे पहले दिन, तो भाई कोई भी दिक्कत और गाड़ियों में नहीं होता। और मेरे एक ये पर्सनल मत है सोचना कि मेरे को कोई दिक्कत है, और नहीं। गाड़ियों हाँ में नहीं होता भाई, वो नहीं हाँ है। मेरे को ऐसा लगता है हल्का क्लच टाइट हो गया है, ये ह्यूंडई में है प्रॉब्लम, हल्का मेरे थोड़े को। टाइम बाद इनके क्लच टाइट होते ही हाँ होते तो हैं। मेरे को लग रहा है कि हल्का हाँ क्लच टाइट हो गया है हाँ जी इसकी सनरूफ। हाँ, वो सनरूफ लद्दाख हम गए इतना मजा आया भाई। पूरी देखो पूरी कवर करती है पीछे हाँ तक। पूरी वीडियो हमने सनरूफ खोल के हाँ बनाई, बढ़िया बिल्कुल। और भाई दिल्ली इसका में तो फायदा नहीं है भाई। हाँ नहीं जब बारिश आती है जब थोड़ा सा हाँ अपना पर कर्टन लद्दाख हटा में तो दो। मजा आ गया होगा, बिल्कुल हाँ बर्फ वाला व्यू। काफी मजा आया भाई। और हाँ गाड़ी देखो ये गाड़ी ऐसी है कि मैंने ऑफ रोड भी 70-60 70-60 70 ऐसे चलाई गाड़ी में, मेरे को बहुत मजा आया। तो ओवरऑल वैसे गाड़ी ठीक है यार मेरे हिसाब से तो। जिनको ये गाड़ी लेनी चाहिए ना, उनके लिए थोड़े से प्रोज सम अप कर दो, कौन सा हमने बता दिया आपको ना, भाई प्रोस, जिसके लिए गाड़ी है कि हाँ इसको ये गाड़ी कंसिडर कर लेनी भाई चाहिए। प्रोस ही है, सबसे बेस्ट फैमिली कार है। फिलहाल हमने हाँ बेल्ट इसलिए हटाई है क्योंकि हम भाई 5-7 किलोमीटर से नीचे चल रहे हैं, हाँ गली के जी अंदर है हम, हाँ, ये देख लो स्पीड। ठीक है। प्रोस सबसे बेस्ट है, ये फैमिली कार है, हाँ जी सेफेस्ट फैमिली कार है। दूसरी चीज गाड़ी इतनी स्मूथ है ना, हाँ इतनी स्मूथ है, मैंने आपको दिखाया कि गाड़ी के अंदर कोई किसी तरह का साउंड नहीं है, पता नहीं चलता, बहुत स्मूथ चलती है, ये बहुत मेजर प्रो है इसका। उसके अलावा लद्दाख जैसे टेरेन में अगर आप जाते हो ना भाई, इतनी गाड़ी बेहतरीन चलती है, इतनी अच्छी चलती है गाड़ी कि हाँ आपको कहीं पे भी ऐसा नहीं लगता ये गाड़ी आपको धोखा दे देगी। पहले गियर के अंदर इस गाड़ी की इतनी अटूट पावर है ना भाई, इस गाड़ी में इतनी बेहतरीन पावर है कि इतना मैं इंप्रेस हुआ इस गाड़ी से। उसके अलावा माइलेज की अगर मैं बात करूँ तो भाई देखो माइलेज अगर कोई कम, मेरे जैसे बंदे तो देखो माइलेज कहाँ निकाल पाते हैं। हाँ थोड़ा ये लोगों को खुद समझना हाँ चाहिए, अगर आपकी रनिंग ज्यादा है तो अवॉइड करो, डीजल ले लो इससे नहीं बढ़िया। नहीं अगर आप तरीके से चलाओगे ना तो भाई हाँ मैं कहता हूँ ये गाड़ी 17 से 20 का हाईवे माइलेज देती है, और सिटी के अंदर देती है 10 से 13 का, हाँ लेकिन चलाने वाला मेरी जैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ हाँ एक ये भी वो इसका प्रो है। दूसरी बात भाई गाड़ी को यार गाड़ी से मन नहीं भरता, जितना चलाते हो ना इसको, जितना ज्यादा चलाते हो उतना इसको हाँ मजा आने लगता है। शुरू में मेरे को इतना मजा नहीं आता, लेकिन उसके बाद
जैसे जैसे इसके साथ टाइम बिताया बहुत मजा आया। तो मेरे ख्याल से भाई अगर कोई कंसिडर करना चाहता है फैमिली कार के लिए इसको कंसिडर कर सकता। और सबसे बड़ी बात भाई Hyundai का लोगो है तो टेंशन फ्री है, नया लोगो है, नया लोगो चेंज हो चुका लोगो है। हाँ, अब थोड़ा मतलब ऐसे देने लग गया ना। अच्छा सैटिन सिल्वर, वो हाँ। क्रोम नहीं रहा। बाकी यार होप करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप इनका चैनल भी चेकआउट कर सकते हो, हर चीज़ आपको क्रेटा से रिलेटेड वहाँ पर मिल जाएगी। होप करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू सो मच।